नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्वर आलय म्यूजिक में मैं एसके शर्मा आप सभी दोस्तों का, व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं, मेल और फीमेल को किस उम्र में किस स्वर को सडज अथवा शाह मानकर रियाज और गायन करना चाहिए। तो ये आज का लेसन है। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि मैं अपने बेटे को या बेटी को घर में ही रियाज करवाऊंगा, संगीत सिखाऊंगा, तो उनको ये दिक्कत होती कि आखिर उनको किस स्वर या नोट्स को लेकर के रियाज कराया जाए, अर्थात किस स्वर को सा मानकर रियाज कराना उचित होगा। ये जो सा होता है हमारा, वैसे तो हर एज के अकॉर्डिंग एक स्थाई आवाज का स्थाई स्वर होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, उसका एक परमानेंट या स्थाई स्वर होता है, नोट होता है, वहां से उसको गायन वादन करना अनिवार्य होता है। तो ऐसे नहीं कि छोटे बालक हैं या बालिका है और उसको हम उठा करके सी साहब से रियाज करना शुरू कर दें। अरे, सी साहब पे पहुंचते पहुंचते काफी एज के बाद कोई इंसान सी साहब पे पहुंचता है। उसकी क्या है कि एज संगीत विद्वानों ने कुछ एक नियम बनाए, लॉ बनाए हैं इसके संगीत के भी, और हमें वी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द म्यूजिक। यदि हम चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं, बेटर करूं संगीत के फील्ड में, तो हमें सही से नोट्स का चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। वैसे तो महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में अधिक पतली और मधुर रहती है, परंतु पुरुषों के जो कंठ की आवाज होती है, स्वर होता है, वो भारी होता है। जब हम बचपन में होते हैं, बचपन में बालक और बालिकाएं सभी की आवाज जो है ना, कुछ 13-14 साल तक एक जैसी होती है। बालक बालिकाओं की आवाज एक भोली, चंचल और रसीली प्रकृति की आवाज रहती है, परंतु जैसे ही उम्र बढ़ती है, लड़का से पुरुष बन गया वो, तो उसकी आवाज उम्र के बढ़ने के साथ साथ अपना रंग बदलती जाती है। परंतु ये चीज महिलाओं की आवाज में देखने को नहीं मिलती है। महिलाओं की आवाज हमेशा छोटी 14-15-20 साल की लड़कियों की तरह ही होती है, चाहे महिला 60 वर्ष की क्यों ना हो जाए। ये गॉड गिफ्ट है, ये उसके आवाज में इतना चेंज नहीं आता है। आपने देखा होगा युवावस्था में पुरुष की आवाज अधिक गंभीर और दिलकश प्रकृति की होती है, वहीं पर अगर देखा जाए तो वृद्धावस्था में पुरुष की आवाज में एक कर्कशता दिखाई पड़ती है और कंपन आ जाता है उस आवाज में। और ये कंपन आना या कर्कशता आना, ये प्राकृतिक नियम है, इसको बदली नहीं किया जा सकता है, ये पुरुषों के बारे में है। परंतु महिलाओं के स्वर में ये अंतर बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, जो चेंज होता है आवाज का। जैसे पुरुष की आवाज एकदम बच्चे से और पुरुष बनते बनते एकदम भारीपन आ जाता है उसमें, परंतु महिलाओं वुमेन की आवाज में अंतर
उतना दिखाई नहीं पड़ता, होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है। अब जैसे मान लीजिए 10 वर्ष की कोई बालिका है और 25 वर्ष की महिला है, और यदि वो स्वर साधना करती रहे, जैसे 25 वर्ष की महिला है और 10 वर्ष की बालिका है, तो 25 उनकी आवाज लगभग एक समान होती है, उसमें अंतर नहीं होता है। और 25 वर्ष की जो महिला है, प्रौढ़ महिला, वो अगर स्वर साधना करती रहे तो 60 साल तक की उम्र में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि उस महिला की आवाज लगभग एक समान रहेगी जैसी वो बच्ची की आवाज थी या है। उसी टाइप से बचपन में लड़का और लड़की लगभग 12-14 साल तक उनकी आवाज एक जैसी होती है, परंतु लड़का जैसे ही 20 साल तक की अवस्था में जैसे पहुंचता है तो उसकी आवाज एकदम से बदल करके मोटी हो जाती है। जो मेल है उसकी आवाज बदल करके मोटी, गंभीर, एकदम से भारी हो जाती है, जबकि बालिका की आवाज में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। जहां तक संगीत साधना का सवाल है, तो उस दृष्टिकोण से संगीत विद्वानों के मतानुसार प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुरुषों में आवाज का अंतर दिखाई पड़ता है। हमेशा ये स्वाभाविक है, बहुत अंतर होता है, और आवाज का जो स्थाई जो नोट्स होता है, स्वर होता है, वो एक स्वर नीचे स्वतः ही उतर जाता है। एक स्वर नीचे, अगर मैं मान लीजिए आज मैं ये सी तार पे पहली काली, आज मैं यहां से गा रहा हूं दूसरी काली से, अगले 10 वर्ष जब आएंगे तो मैं फिर यहाँ पे गाना मेरा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, वो स्वर उतर करके इस सा पे आ जाएगा। माने कुछ ना कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये कि हमें अब इसके उम्र के बदलते दौर के आधार पर हमें उस नोट्स का, सही स्वर का, सही सा का सिलेक्शन करना, चुनाव करना बहुत आवश्यक है, तभी तो हम संगीत साधना कर पाएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा, कुछ विद्वानों ने उम्र के साथ साथ स्थायी स्वर बताए हुए हैं, वो आप समझ लें, फिर अपने, यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने बालक को या बालिका को उसी हिसाब से स्वर साधना करना है। दोस्तों, मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ से बताऊंगा मैं, ये सी सार पहनी पहली काली से, सारे गामा पधनी सा, ये ध्यान रखना। अब आते हैं कि जो संगीत के विद्वानों ने बताया, उनके मत के अनुसार इंसान की, पुरुष की या फीमेल की, महिला की, बालिकाओं की जो आवाज होती है वो किस स्वर से मिलती है, संभावित वहीं से मिलती है, उसके हाफ नोट आगे पीछे हो सकता है, और ज्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, चाहे आप प्रैक्टिकली करके देख लें। तो सबसे पहले आता है 10 वर्ष तक की आयु। 10 वर्ष की आयु तक तो गायन नहीं कराना चाहिए। 10 साल का अगर कोई बालक बालिका है तो दोनों की एक समान आवाज होगी, बालक की भी और बालिका की भी, और वो आवाज यहाँ होती है, नी निषाद की आवाज यहाँ मिलती है, चाहे आप देखना, इसके आधा नोट आगे पीछे हो सकती है, यहाँ नहीं तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, मतलब इतने अंतर होगा, आधा नोट आगे या आधा नोट पीछे,
इतना हो सकता है। तो 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की आवाज यहाँ निषाद पे मिलती है। अब अंदाज लगाइए उनका ये नोट होगा, उनका सा ये होगा। अब यदि उनकी 10 साल से और 20 साल के मध्य की आयु हो गई है बालक बालिकाओं की, तो उनका स्वर ये भैवत होगा। यदि आप छोटे बालकों को 20 साल से जो कम है उनको रियाज कराना है तो ये धैवत होना चाहिए, यानी कि ये पांचवी काली होनी चाहिए उनकी, पांचवी काली। अब आते हैं 20 और 30 साल के मध्य वाले लोगों के लिए। 20 और 30 साल लड़की की एज, तो लड़की का जो स्वर है वो इतना वो तो नहीं बदलेगा ज्यादा, लेकिन लड़कों का स्वर बदल जाता है, लड़कों का उतर के नीचे आ जाएगा। जैसे अगर 20 से 30 साल की कोई बालिका है तो उसका स्वर ये होना चाहिए, पा जी सार, यानी फोर्थ ब्लैक, चौथी काली, इसको सारे सारे गामा पा, हिंदी में पा हो गया, इंग्लिश में जी शार्प हो गया। जी शार्प हो गया या फिर जी होगा, दोनों में से कोई सुर होगा। तो यानी कि यहाँ से रियाज उनको सिखाना चाहिए, गायन इसको सा मान करके करना चाहिए। और ऐसा ही नहीं, महिला 20 साल की हो 30 साल की हो, महिला की 40-50 साल तक भी स्वर डाउन नहीं होता, ये जी सार पे ही रहेगा, यानी चौथी काली रहेगी, अगर वो संगीत साधना कर रही हो तभी, अन्यथा संगीत साधना नहीं करेगी तो स्वर उसका नीचे आवाज आ जाएगी, भारी हो जाएगी ऑटोमेटिक, लेकिन स्वर साधना करते करते आवाज एक स्थिर हो जाती है, स्थिर रहती है काफी समय तक। तो ये पंचम हुआ 20 से 30 साल के बीच। उसके बाद 30 और 40 साल के मध्य की अगर आयु है पुरुष वर्ग, तो उसका ये होगा, हिंदी में इसको मां बोलेंगे तीसरी काली, इंग्लिश में एफसार, ये नोट्स होना चाहिए उसका। एफसार सारे गा मा, यानी 30 से 40 साल तक के व्यक्ति की आवाज यहां मिलेगी एफसार पर, या फिर तीसरी काली कहिए इसको, और इसको हिंदी में माँ कहेंगे। अगर मैं यहाँ से सामान के चल रहा हूँ सारे गा माँ, तो उसकी या तो यहाँ मिलेगा अगर, या फिर यहाँ मिलेगा, हाफ नोट डाउन में मिलेगा, बस इतनी अंतर रहेगा। उसके बाद चालीस से पचास साल तक की एज है तो उसका नोट्स फिर ये गांधार हो जाएगा, यहां से गायन करता होगा, वो हिंदी में गा बोलेंगे इसको, वैसे चौथे नंबर की वाइक की है, और इंग्लिश वेस्टर्न नोटेशन में इसको एफ बोलेंगे, एफ। उसके बाद में आइए 50 से 60 ईयर्स के मध्य, तब उसका नोट्स परमानेंट या स्थाई नोट ऋषभ रहेगा, दूसरी काली अथवा डी सार अथवा हिंदी में रे, ये सुर रहेगा। और स
60 साल में भी उसका सुर इतना ही रहेगा, सा लगभग यही रहेगा, या हाफ नोट नीचे उतर सकता है, ये सडज रहेगा 60 के आसपास, 50 से 60 साल तक के ऊपर के लोगों के लिए ये रहेगा सी साल पहली काली। कहने का तात्पर्य ये है कि 10 वर्ष तक के बच्चे हैं तो ये निषाद रहेगा उसका स्थायी स्वर गायन वादन के लिए, निषाद 10 साल की उम्र तक के लिए, और धैवत 10 से 20 वर्ष की उम्र के मध्य के लिए, धैवत अर्थात धा, और वेस्टर्न नोटेशन में बोलेंगे इसको एसआर, और अपनी लोकल भाषा में पांचवी काली। उसके बाद 20 से 30 वर्ष की एज में ये स्वर होना चाहिए पंचम पा, वेस्टर्न नोटेशन में जी सार, हिंदी में चौथी काली या पा, स्वर पा। महिलाओं की आवाज बदली नहीं होती है, क्योंकि जो 20 साल में जो उनकी आवाज होती है, कंठ की ध्वनि जो होती है मधुर, वैसी ही ध्वनि उनकी ध्वनि उनकी 30 साल में भी रहती, 40 साल में भी वैसी नजर आती है, और अगर वो स्वर साधना करती रहे संगीत साधना तो उनकी 60 वर्ष तक भी यही नोट रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, हाफ नोट आगे या पीछे, वो उनके ऊपर है, वो कितना, हर इंसान का गला अलग अलग टाइप से बना हुआ है। जैसे जो बचपन से संगीत सीख रहे हैं उनका रेंज हाई होता है, और जो नहीं संगीत सीखते हैं उनके लिए तो गाना मुश्किल हो जाता है, वो तो इस पहली काली से और यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ धा नी तक ही उसके उनका कंठ साथ नहीं देता, सांस फूलने लगता उनको। तो ये सब रेंज अपने अपना अलग होता है, ये प्रैक्टिस के अनुसार चेंज भी होता है। तो ये पा मैंने पंचम बताया है, 20 से 30 वर्ष की आयु के मध्य के लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए यही रहता है, और पुरुष का फिर चेंज होता रहता है, महिलाओं का जल्दी चेंज नहीं होगा, पुरुष का बड़ी शीघ्रता से चेंज होता है हर 10 वर्ष में। महिलाएं 50-60 साल तक इसी नोट को जी सार्प को पकड़ करके गायन वादन कर सकते हैं पास है। उसके बाद में 30 से 40 साल के लिए ये मध्यम है, तीसरी काली, हिंदी में माँ बोलेंगे, वेस्टर्न में इसको एफ-शार्प बोलते हैं। उसके बाद में 40 साल के लोगों के लिए गांधार, गा चौथे नंबर की सफेद, और 50 के लोगों के लिए ऋषभ, दूसरी काली, और पहली काली 60 वर्ष के आसपास के उम्र के लोगों के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि नोट्स कितना भी इंसान कितना भी ऊपर गाता हो, लेकिन एज के साथ साथ उसके नीचे की तरफ यानी कि एक स्वर नीचे उतरता जाता है, उसकी आवाज हमेशा नीचे को नीचे उतरती है। दोस्तों ये तो इसकी जानकारी थी। क्या है कि पुरुषों के लिए तो रियाज उनका सी शार्प से ही होना चाहिए, अपने पहली काली से ही होना चाहिए, और महिलाओं का चौथे नंबर की काली से। आपने देखा होगा फिल्मों में गाने हैं, तो गाने ये नहीं कि कोई यही बस इसी से गाना गाएगा, एक स्वर से नहीं, कोई कोई गाने तीसरी काली से भी है, चौथी काली से भी है, वो अपने गले के रेंज के अनुसार है। कहने का तात्पर्य यह है,
अब आप तीसरी काली से गाएंगे तो आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या फायदा है तीसरी काली तक। कहने का तात्पर्य ये है, अब मैं आता हूं आपको बताऊंगा कि सा अगर मैंने, सपोज आप एक महिला हैं और आपने ये चौथे नंबर के नोट्स को, स्वर को आपने सा मान लिया है, तो आपका गला कहां तक, हाई नोट कहां तक टच करना चाहिए और नीचे कहां तक आना चाहिए, ये जरूरी है, तभी तो आप सुलभ हैं, यानी कि आप इजिली आप गा सकेंगे उसको। ये नहीं कि आप ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पा है, पा से अगले स्वर के ताप सप्तक के पा तक पहुंचना चाहिए आपको, तभी तो आपका स्किल कहलाएगा वो। अगर आप नहीं पहुंच सकती हैं इस पा से लेकर के ये चौथी काली को आपने पा को, यानी कि साम अभी साम मान लिया आपने, तो यहां से लेकर के यहां तक तो ये सा हुआ, यहां से लेके ये तो सा हुआ, ये सा हुआ तार सप्तक आपका ये होगा, ये फिर आपका मध्य सप्तक बन गया, ये तार सप्तक का सा आ गया, तो सा रे ग म पा यहां तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, यानी यहां से लेके ये सा था, सा पा ये सा है, सा पा सा सा हो गया। अब फिर इसके बाद में फिर पा ऊपर वाला पा सा पा, मतलब डिफिकल्टी हो रही, तो कहने का मतलब है ये सा हो गया आपका, तो यहां से फिर पा तक पहुंचना चाहिए गला, और आप रियाज करते करते तब तक रियाज करें तब तक गला अगले पा तक, यानी कि जहां से जिस नोट को मैंने सा माना है उसके डेढ़ सप्तक हाई नोट पे जाना चाहिए और हाफ सप्तक लोअर नोट पे, यानी खरज की ओर, खरज मतलब निचले स्वरों को खरज बोलते हैं और ऊपर वाले स्वरों को तो ताश सप्तक बोलते हैं, तो यानी कि आपका ये सा हुआ, इफ यू आर अ वुमन महिला है तो ये सा हुआ, सा रे ग म प ध नि सा, अब सा ये हो गया आपका तार सप्तक, अब यहां से आपको कहां तक पहुंच रही है, सा रे ग म प, देखो यहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको। कहने का भाव ये है कि आप अगर आप चौथी काली को सा मान करके रियाज कर रही हैं, ठीक है, ओके, ये आपका परमानेंट नोट्स है मान लिया मैंने, तो आप डेढ़ सप्तक ऊपर तक जाना पड़ेगा हाई नोट तक, और वही आप समझ ले अगर अगले पा तक यहां से लेके यहां तक सा हुआ, फिर सा से तार सप्तक के सा से तार सप्तक के पा तक अगर आप कंफर्टेबल जर्नी कर सकते हैं, आपका गला साथ देता है, तो इट विल बी बेटर फॉर यू, आपका बेटर नोट है रियाज करने का पा, बेटर फॉर यू। और सिमिलरली खरज के स्वरों में जैसे सा, ये सा मान के चला सा नी दा, यहां तक तो आराम से कोई पहुंच ही जाता, पा नी सा सा नी दा, कहने का मतलब है गले का रेंज बढ़ाने के लिए सुबह मॉर्निंग में जितना हम खरज के स्वरों में रियाज करते हैं, जो भी स्वर है आपका, मान लो आप महिला हैं, अभी महिला का टॉपिक चल रहा है, सा रे ग म प ध नी सा, यहां तक नीचे स्वरों में जहां तक आप पहुंचे और रेगुलर आप रियाज करेंगे, आप उतना ही ऊंचे स्वरों पे गाना ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। तो दोस्तों ये है इसका कि आप कम से कम दो सप्तक के बीच आपके गायन होना चाहिए, आप जिस नोट को सा मान के चलते हैं, पुरुष लोग इसको सा मान के चल रहे हैं, ये सा हमारा ठीक है, ओके,
पहली काली को, तो यानी नीचे म्यूजिक कहां तक पहुंचने चाहिए, सा ओ, 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 सा नी द प मा नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि खरच के स्वर इतना आसान नहीं है। सा नी द प का पा तक आराम से आ रहा हूं, पा द नी सा। अब ऊपर चलते हैं, तो यहां से अगर आप मेल हैं तो आपने सी शार्प लिया, तो यहां से लेके पहले एक सब तक जाइए, सा रे ग म प द नी सा। अभी तो आपने एक सप्तक तक पहुंचे हैं, अब आगे चलें कहां तक जाते हैं, सा रे ग म प मतलब मैं भी कंफर्ट नहीं हूं पा तक पहुंचने में, मैं हार्डली गा तक अच्छे से आया हूं, फिर पा तक उतना आरामदायक नहीं। ऐसे देखें, सारे गा मा पा धनी सारे गा मा पा, सारे गा मा पा धनी सारे गा मा पा, गे सानी गा पा मा गे सा। कहने का मतलब ये मुझे आराम से यहाँ तक पहुंचना चाहिए, और यदि मैं रियाज करूंगा ये कोई भी हो मेरी जगह, तो जितना रियाज करेगा, गायन यही कहता है कि मुझे अगर जहां से भी मैं गा रहा हूँ सा मान करके, तो मुझे सात सप्तक के पा तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि गाने वहीं तक होते हैं, पा तक तो बहुत जरूरी है, गाने का रेंज वहां तक जाता, और उसी टाइप से तदनुसार नीचे ऑक्टेव में यानी मंद्र सप्तक में भी आपको पातक बड़े आराम से पहुंच सके, हो सके आप प्रयास करेंगे तो आप खरज के खरज सप्तक के सातक भी पहुंचने लगेंगे, और जैसे अगर खरज के सातक आप पहुंच गए तो ऐसा कोई नोट्स नहीं होगा, हारमोनियम में तार सप्तक के बिल्कुल लास्ट स्वर तक आप पहुंच सकते हैं। ये तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों क्या है कि हमें अच्छे से सा बहुत इम्पोर्टेंट है संगीत में, अगर मेरा कोई सा नहीं है, ये तो रेलवे स्टेशन है, ये स्टेशन है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होनी है, लेकिन आपको वही पता नहीं कि मेरा कौन सा स्टेशन है, मैं कहाँ से बैठूंगा, तो आप जर्नी क्या पूरा करेंगे, कभी जर्नी पूरी नहीं होगी। तो एक नोट को पकड़िए और वो अपना परमानेंट एक स्टार्टिंग प्वाइंट होना चाहिए, वहां से जर्नी शुरू होगी। सा अगर सद गया तो सभी स्वर आपके अच्छे से लगेंगे, सॉलिड लगेंगे। एक कहावत है कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। आप एक नोट्स को साध लीजिए, फिर पा को साध लीजिए, आपका ये तो अंगुलियों को नहीं, सा पा सा पा सा रियाज होना चाहिए, सा का ट्यूटोरियल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो लोग बस इसी डाउट में इसी भ्रम में कि मेरा या मेरे बालक के लिए या मुझे खुद को रियाज करना है, तो मेरा स्वर परमानेंट स्थाई कौन सा लेना चाहिए मुझे। तो दोस्तों अगर आप 20 साल पार कर चुके हैं, यदि इफ यू आर मेल पुरुष हैं, तो आपका यही स्वर रख लेना, या आप ऐसा नहीं, मैं कंपेल नहीं कर रहा हूं आपको, नॉर्मली यहां से सीखना चाहिए लोगों को, लेकिन अगर वो ऊंचा गा सकते हैं तो उनकी मर्जी है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है,
क्योंकि उनके रेंज वो आगे तक जा सकते हैं तो मुझे क्या आपत्ति है। लेकिन नॉर्मली आदमी को यहाँ से सी शार्प से गायन वादन शुरू करना चाहिए, और ताकि वो इसी अनुसार अगले तार सप्तक के पा तक पहुंच पाए। और ये स्वर इसलिए रखा गया है, वैसे गाने वाले तो बहुत ऊंचा ऊंचा गाते हैं, और यदि आप महिलाएं तो चौथे नंबर की काली, इसको सा मान करके जी सार, चौथे नंबर की काली सीधी बात है, इसको सा मान करके आप रियाज करें सा रे ग म प द नी सा रे ग म प। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही है, और उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, आप जरूर इस चीज का लाभ उठाएं, और कोई डिफिकल्टी हो और कोई सवाल पूछना है तो आप बेझिझक पूछें, सेंड मी मैसेज, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों नमस्कार, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।